रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है आपके एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में, एसी करंट को डीसी करंट में, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में, ठीक, कन्वर्ट करता है। अब इसका एग्जांपल है, क्यों करता है? जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि आपका लैपटॉप है, जैसे कि आपका फ़ोन है, ये सब डीसी डिवाइसेस हैं जो बैटरी पे चलती हैं। इनको चलने के लिए बहुत वोल्टेज भी नहीं चाहिए। बैटरी को, जो आपका लैपटॉप है उसको 15-20 वोल्ट चाहिए, इसके ऊपर चाहिए नहीं। चार्जर है उसको तो 5-7 वोल्ट ही चाहिए, ज़्यादा चाहिए ही नहीं। 10 वोल्ट 12 वोल्ट पर भी चल जाता है आपका जो फ़ोन है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो सप्लाई आ रही है वो क्या है, वो एसी है, 220 AC ऑल्टरनेटिंग है, हमें नहीं चाहिए। पहली बात तो हमें क्या चाहिए, 10 वोल्ट चाहिए। तो पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का काम हाई वोल्टेज को पहले लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना, फिर वो 10 वोल्ट ऑल्टरनेटिंग होगा। और डीसी क्या होता है, फ्लैट करंट होता है, कॉन्स्टेंट होता है, जिसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती वायर में। तो मैं रेक्टिफायर लगाऊंगा जो मेरे 10 वोल्ट AC को 10 वोल्ट DC में कन्वर्ट करेगा। तो एक लाइन में अगर बोल रहा हूं तो रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो आपके एसी इनपुट सिग्नल एसी को एसी करंट या वोल्टेज को डीसी करंट या वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो ये पॉइंट है। रेक्टिफायर दो तरीकों से यूज होता है, हाफ वेव एंड फुल वेव। तो पहले हम करते हैं हाफ वेव, उसके बाद करेंगे फुल वेव। आपके पेपर में ज्यादातर फुल वेव आता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में या फुल वेव रेक्टिफायर का प्रिंसिपल एक है। रेक्टिफायर इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है दैट रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन बिकम्स लो व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू लो जाएगी जब फॉरवर्ड बायस्ड है। तो रेजिस्टेंस लो का मतलब क्या है, उसमें ज्यादा करंट पास होगा अगर फॉरवर्ड बायस्ड है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड करंट को पास होने देता है क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस बहुत लो हो जाती है। एंड रिवर्स बायसिंग में क्या हो जाता है, करंट को ब्लॉक कर देता है। तो हम ऐसे बोलते हैं उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। तो डायोड की रेजिस्टेंस बिकम लो जब वो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड में, और हाई हो जाएगा जब वो क्या होगा, रिवर्स बायस में। तो ये प्रिंसिपल लिखना है आपने। फिर आपने कंस्ट्रक्शन लिखनी है। कंस्ट्रक्शन अगर हाफ वेव आया तो हाफ वेव की, फुल वेव आया तो फुल वेव की, दोनों की कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस है। तो अगर ये मान लो एक रेक्टिफायर है, ये रहा, इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है ताकि वो स्टेप डाउन करे पहले एसी को। फिर डायोड इज एक्टिंग लाइक अ रेक्टिफायर, रेक्टिफिकेशन करेगा। क्या करेगा बताता हूं। तो एक डायोड लगा दिया जाएगा पीएन, और आउटपुट यहां से ली जाएगी। आपका एसी सिग्नल पास किया जाएगा, आपका एसी सिग्नल, ये आपका एसी सिग्नल है। ये एसी सिग्नल पीछे पीछे से आएगा, ये पॉजिटिव सिग्नल है एसी का और ये नेगेटिव सिग्नल है मान लो एसी का। कुछ पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर कोई नहीं है, बस इसको बोला जाता है कि ऊपर वाला पॉजिटिव साइकिल है, नीचे वाला नेगेटिव साइकिल है। तो जब पॉजिटिव साइकिल इसमें एंटर करेगा तो मान लो इस एंड को नेगेटिव और इस एंड को पॉजिटिव बना लेगा, यानी कि यहां पर क्या डेवलप करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और बाय इंडक्शन क्या होगा, बाय इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस। प्लस माइनस हो गया। अब क्या होगा, ये प्लस इज कनेक्टेड विद पी, तो कौन सी बायसिंग है, फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, तो ये करंट को एज इट इज बाहर फेंक देगा। और जैसे सिग्नल आपका पॉजिटिव गया था इनपुट, आउटपुट सिग्नल भी एज इट इज वापस आ जाएगा, कोई चेंज नहीं। मतलब इसने, डायोड ने करंट को पास होने दिया, बात खत्म हो गई। अब आती है बारी किसकी, नेगेटिव सिग्नल की। नेगेटिव की, नेगेटिव सिग्नल पॉजिटिव से उल्टा काम करेगा। नेगेटिव सिग्नल क्या करेगा, नेगेटिव सिग्नल इसको उठा के प्लस कर देगा और इसको नेगेटिव कर देगा। तो बाय म्यूचुअल इंडक्शन ये प्लस हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव पी के साथ कनेक्टेड है, तो कौन सी बायसिंग है, रिवर्स बायसिंग हो जाएगी। तो यहां पे कोई करंट नहीं जाएगा आउटपुट, तो देखो करंट इसने ब्लॉक कर दिया। देखो ऑल्टरनेटिंग करंट में वायर में डायरेक्शन चेंज होती है करंट की, तो कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। डीसी में तो बिल्कुल भी करंट चेंज नहीं होता, और डीसी फ्लैट भी होता है। फ्लैट वाला काम हम बाद में करेंगे, पहला काम क्या होता है कि एसी के नेगेटिव साइकिल को हटाना। तो नेगेटिव साइकिल हटाने वाला काम कौन कर रहा है, डायोड करता है। तो आपके सामने ही है, पॉजिटिव सिग्नल को फॉरवर्ड बायसिंग की होने की वजह से एज इट इज पास करवा रहा है, नेगेटिव क्रॉस नहीं हो पा रहा क्योंकि नेगेटिव साइकिल एंटर करती है, रिवर्स बायसिंग में आ जाता है और ये क्रॉस नहीं कर पाता इसमें करंट। फिर वापस से पॉजिटिव सिग्नल आया, फिर ये टर्मिनल उल्टे हो जाएंगे तो करंट पास हो जाएगा और नेगेटिव फिर ब्लॉक कर लेगा। अब पहला काम क्या है, साइकिल्स को खत्म करना। हमने नेगेटिव साइकिल्स को तो खत्म कर ही दिया। दूसरा काम है इसके टॉप की वैल्यूज को लेना,
क्योंकि डीसी करंट एकदम कांस्टेंट चलता है। हम आगे थोड़ी देर में फिल्टर्स डिस्कस करेंगे, फिल्ट्रेशन। फिल्टर कुछ नहीं है, फिल्टर ये जो कर्व है ना, इन करंट को गायब कर देगा, सिर्फ टॉप के करंट को बाहर निकाल देगा, बाकी सब फिल्टर कर देगा और फाइनल करंट हमारा बिल्कुल स्ट्रेट करंट आएगा। पर इसमें एक प्रॉब्लम है हाफ वेव में, सिग्नल ये हम बाहर निकाल लेंगे स्ट्रेट, लेकिन फिर कुछ देर के लिए सिग्नल चला जाएगा, करंट इसमें ऑफ हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर सिग्नल आएगा, फिर ऑफ हो जाएगा। तो जो बल्ब आप लगाएंगे वो जलेगा, फिर बीच में ब्रेक मारेगा, फिर जलेगा, फिर ब्रेक मारेगा, तो मतलब रुक जाएगा, क्योंकि करंट बहुत, वैसे तो बहुत जल्दी होता है ये, बट फिर भी इसके अंदर करंट जो है मिसिंग साइकिल्स हैं जो ठीक नहीं है। तो इसको ठीक करने के लिए हमने क्या यूज किया, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर हमने क्या किया, पेपर में फुल वेव रेक्टिफायर आता है और अगर मेंशन ना हो तो आपको फुल वेव ही डिस्कस करना चाहिए। तो फुल वेव में दो, एक की जगह दो डायोड लगाए जाते हैं और आउटपुट राइट पे लेने की बजाय बीच में ली जाती है। तो आप चेक कर सकते हैं, तो मान लें आपके पास के पॉजिटिव साइकिल आया, जब पॉजिटिव साइकिल आया तो उसने मान लें नेगेटिव पॉजिटिव डेवलप किया, बाय म्यूचुअल इंडक्शन ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव इज कनेक्टेड विद पी तो कौन सी बायसिंग है, फॉरवर्ड, और नेगेटिव कनेक्टेड विद पी तो कौन सी बायसिंग है, रिवर्स। तो रिवर्स बायसिंग में करंट को ये ब्लॉक कर लेगा, सारा का सारा करंट ऊपर से होता हुआ ऐसे निकल गया, बात खत्म हो गई, करंट आएगा पर ऊपर से जाएगा। अब नेगेटिव साइकिल जब आया, नेगेटिव साइकिल जब आएगा तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, अब क्या होगा, बाय म्यूचुअल इंडक्शन नेगेटिव पॉजिटिव है, माइनस इज कनेक्टेड विद पी तो रिवर्स बायसिंग है, प्लस इज कनेक्टेड विद पी तो फॉरवर्ड बायसिंग है। तो अब सारा का सारा करंट यहां से आ जाएगा, यहां से नहीं जाएगा, करंट दोनों में जाएगा, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से। खास बात यह है, अगर आप ऊपर का डायग्राम देखें तो करंट की डायरेक्शन टूवर्ड्स लेफ्ट है, और अगर आप नीचे का डायग्राम देखें यहां भी करंट की डायरेक्शन टूवर्ड्स लेफ्ट है। तो करंट की डायरेक्शन दोनों केसेस में कहां पर है, टूवर्ड्स लेफ्ट है, यानी कि करंट नेगेटिव साइकिल क्या होते हैं, एसी के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल का मतलब होता है कि एक बार करंट इधर और एक बार इधर, एक बार इधर एक बार इधर, इसमें तो हर बार ही इधर है। तो इसका मतलब जो पॉजिटिव साइकिल था वो तो बाहर एज इट इज आ गया, लेकिन जो नेगेटिव साइकिल था, नेगेटिव साइकिल का मतलब डायरेक्शन का चेंज होना, वो इसमें नेगेटिव नहीं होगा, वो इसमें एज इट इज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि करंट ने अपनी डायरेक्शन को इसमें क्या किया, चेंज नहीं किया। तो अगर करंट एक ही तरफ आ रहा है दोनों में तो नेगेटिव साइकिल तो होगा ही नहीं, वही साइकिल किसमें कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, तो ये आपका आउटपुट करंट होगा। मिसिंग साइकिल्स भी इसमें कन्वर्ट जो है ठीक हो गए और नेगेटिव साइकिल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए। फिर हम आगे फिल्टर लगा के इसमें से टॉप का करंट बाहर निकाल लेंगे, बात खत्म है। वो सेकेंडरी काम है कि कॉन्स्टेंट करंट कैसे बाहर निकालना, पर मेन काम क्या है, साइकिल्स को खत्म करना। जब पेपर में आएगा तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है कि रेक्टिफायर है क्या, एसी से डीसी कन्वर्ट करता है। फिर आपने लिखना है कि वो हाफ वेव या फुल वेव पूछेगा। फिर आपने लिखना है प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल लिख दिया। फिर आपने लिखनी है कंस्ट्रक्शन, फुल वेव रेक्टिफायर की कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें इसका डायग्राम ड्रॉ करना है, ये सारे डायग्राम हो गया। फिर आपने लिखना है वर्किंग, वर्किंग में तो देखो फॉर्मेलिटी या कुछ करना नहीं है, पहले लिखेंगे व्हेन पॉजिटिव साइकिल एंटर्स द ट्रांसफॉर्मर या रेक्टिफायर तो दिस पी वन बिकम नेगेटिव, पी टू बिकम पॉजिटिव, बाय म्यूचुअल इंडक्शन एस वन बिकम पॉजिटिव, एस टू बिकम नेगेटिव, सो द डायोड डी वन बिकम फॉरवर्ड बायस्ड एंड डी टू बिकम रिवर्स बायस्ड, तो होल ऑफ द करंट एंटर्स फ्रॉम डायोड डी वन, और ऐसी इन केस ऑफ नेगेटिव साइकिल टर्मिनल डिफाइन कर दें, लिख दें डी वन जो है वो कौन सा है, रिवर्स बायसिंग में, और डी टू जो है फॉरवर्ड बायसिंग में। तो आपके जो उसके बाद इनपुट आउटपुट सिग्नल्स को आपने इसमें मेंशन करना है, तो अपने वर्ड में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है यहां तक। तो यहां तक आपने लिख के आना है, अगर पूछ लिया तो ठीक, नहीं पूछा तो एक लाइन में लिख आए, तीन नंबर में फर्क नहीं जाता इसमें। अदरवाइज पूछ सकते हैं कि रिपल फैक्टर क्या होता है, रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर है वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट, तो एसी करंट बाय डीसी करंट या एसी ईएमएफ बाय डीसी ईएमएफ को क्या बोलते हैं, रिपल फैक्टर। फिर एफिशिएंसी ऑफ अ रेक्टिफायर क्या है, एफिशिएंसी है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, आउटपुट में कौन है इसमें डीसी, इनपुट में कौन है इसमें एसी, तो ये इसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। आगे के फॉर्मूलाज इसके अपने नहीं है, ट्रांसफॉर्मर के फॉर्मूलाज हैं। तो ट्रांसफॉर्मर के फॉर्मूले में वी आर एम एस क्या होता है, वी नॉट बाय रूट टू, इसने वी नॉट को लिखा हुआ है वी प्राइमरी मैक्सिमम,
प्राइमरी मैक्सिमम का मतलब वी नॉट होता है, ऐसी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज इक्वल टू वोल्टेज इन सेकेंडरी बाय वोल्टेज इन प्राइमरी। उसी तरीके से फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर सेम फॉर्मूला, वोल्टेज सेकेंडरी, वोल्टेज प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी एंड प्राइमरी, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इसको कोई याद नहीं करने की जरूरत, और इतना लिखना भी नहीं है ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन में, ये लिखना नहीं है, पूछ लिया तो बात अलग है, पूछता नहीं है वो, सिंपल रेक्टिफायर की कंस्ट्रक्शन पूछता है और वर्किंग पूछते हैं, हम लिख देंगे। डीसी कॉम्पोनेंट बाहर कितना आता है एसी का, जब डीसी बनता है तो एवरेज वैल्यू लिखनी है 2I0 बाय पाई, बस और कुछ नहीं करना है, इसमें बात खत्म।